नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रैलियों में चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं के लिए मंजूरी तो दी थी, लेकिन इसके लिए कई गाइडलाइंस भी जारी किए थे, लेकिन चुनाव आयोग के गाइडलाइंस चुनाव आयोग की फाइलों में ही सिमट कर रह गई। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें महत्वपूर्ण ये था कि चुनावी सभाओं में लोगों के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी, साथ ही लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन इन चुनावी सभाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब राजनेताओं ने यह मान लिया है कि बिहार में कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना का अब कोई खतरा बिहार में नहीं है। हालांकि इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि भाजपा के बड़े नेता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये दोनों ही नेता कई दिनों से चुनावी रैलियों में शिरकत कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे और इनका कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वहीं मंगल पांडे और सुशील मोदी भी बीमार बताए जा रहे हैं, हालांकि सुशील मोदी का कोरोना जाँच रिपोर्ट निगेटिव आया है। वहीं मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी कई दिनों से जनसंपर्क कर रहे थे और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। कल भागलपुर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली है, लेकिन इस रैली में ना तो शहनवाज हुसैन, ना राजीव प्रताप रूढ़ी और ना ही मंगल पांडे और सुशील मोदी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि ये लोग बीमार हैं। ऐसे में जनता को भी सोचना होगा कि वो जिस भीड़ का हिस्सा बनने जा रही है, उस भीड़ में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इन चुनावी रैलियों की भीड़ को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार में बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है और ये चुनावी रैलियां लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 3 दिन पहले ही केंद्रीय समिति ने भी चुनावी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की थी। समिति का कहना था कि जिस तरह से चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में बिहार में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और स्थिति संभलने लायक नहीं रह सकती है, स्थिति संभाली नहीं जा सकती है। लेकिन इसको लेकर बिहार की प्रशासन और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब आम लोगों को ही यह फैसला लेना होगा कि उनके लिए इस भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है या फिर अपने और अपने परिवार की जान की रक्षा करना। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।